हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का यह तीसरा वीडियो है। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो पार्ट में मैंने आपको 10-10 लोगों की सीरीज आपको पढ़ा दिया, टोटल 20 लोगों के बारे में बता दिया। ये अगले 10 लोगों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये ज़रूरी क्यों है जानना? सबसे पहले आप ये जान लो कि जब कभी हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने आएंगे ना, तो अगर आप इन लोगों के बारे में पहले से जानते रहेंगे तो वहाँ बातें करने में आपको बड़ा ही रुचि लगेगी। जब मैं आपसे बताऊंगा इन लोगों के बारे में, तो आप और रुचि से चीज़ों को सुनोगे, समझोगे, और आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए इनको पढ़ना तो आपके लिए जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं लोगों के बारे में नहीं बता पाता हूँ, लेकिन अभी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको सब कुछ देना चाहा है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जान सकें, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ध्यान, एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं डेट ऑफ बर्थ को सीरियल वाइज से पढ़ा रहा हूँ। जो व्यक्ति जिस हिसाब से पैदा हुआ है उसको उसी हिसाब से रख के मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसके पहले हम लोग 1875 तक कवर कर चुके थे, और अभी 1876 से बात करना है। और ये जो सामने आप फिगर देख रहे हैं, ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं दोस्तों कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ये बिल्कुल ही गलत है, इस पर आप बिल्कुल ही तर्क मत रखिएगा। हाँ, बाद में ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जरूर हुए थे, लेकिन ये इन्होंने स्थापना नहीं किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर किया था ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में, तो वहाँ पे हुआ था। तो ये ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग से कभी मत जोड़िएगा। हाँ, अध्यक्ष थे। आइए बात करते हैं इनके बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था 1876 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। तो दोनों बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक तो ये मुस्लिम थे। अब मुस्लिम में आप लोग जानते हैं कि 786 उनका क्या होता है, शुभ अंक होता है। तो 786 में क्या करो ना, आप 8 उठा के पहले कर दो, 8 उठा के आप पहले रख दोगे तो हो जाएगा 876 में इनका जन्म है, याद रहेगा आपको। और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। आपने को पता होगा कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय द्विराष्ट्र का सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया था, और भारत को दो हिस्से में विभाजित होना पड़ा, एक हिंदुस्तान बना, दूसरा पाकिस्तान बना। ठीक है, तो पाकिस्तान के हेड ये बन तो गए, लेकिन 1948 में ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इनको एक उपाधि के रूप में जाना जाता है, वो नाम है कायदे आजम। कायदे आजम के रूप में विख्यात हुए थे। जिस तरह से महात्मा गांधी को महात्मा के रूप में कहा गया, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू को कहा गया, उसी तरह से ये विख्यात हुए थे सबके सामने कायदे आजम के नाम से। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। 1925 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। दोस्तों, इस नाइटहुड की उपाधि के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी, और जलियांवाले बाग कांड के दौरान उन्होंने इस नाइटहुड की जो उपाधि थी अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो वहाँ पे नाइटहुड हम लोग सुना था, तो इसीलिए मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता हूँ कि चीज़ें आपको याद रहें। तो इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1925 में। किसने दिया था? लॉर्ड रीडिंग ने दिया था, याद रहेगा। 1925 में और कौन सा काम हुआ था? तो 1925 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था वो किसने किया था? तो सरोजनी नायडू जी ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही 1925 में काकोरी कांड हुआ था, जो कि एक बड़ी घटना थी, तो वो भी हुआ था 1925 में। दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। जिन्ना ने 1941 में डान समाचार पत्र की स्थापना की। तो ये एकदम प्योर क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है अक्सर करके। 1941 में डान समाचार पत्र, डॉन कौन सा? डॉन, याद रहेगा ना, डॉन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, तभी तो दो राष्ट्र बन गया, दो देश बन गया। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनकर उन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में बसाया। तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में? जिन्ना के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मोहम्मद इकबाल। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फोटो है मोहम्मद इकबाल की। जानते हैं इनके बारे में? ठीक जिन्ना से एक साल बाद, 876 के बाद 877 में इनकी पैदाइशी है। ठीक है, 1877 में पैदा हुए, और इनकी मृत्यु 1938 में ही हो गई थी। 1938 में ही हो गई थी, जिस तरह से उनकी 1948 में हुई, तो इनकी 10 साल पहले ही हो गई थी। एक साल बाद भी पैदा हुए और 10 साल पहले मर भी गए। तो ये चीज़ आप याद करने का ट्रिक खाली याद रखिए, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आपको बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अगर आप याद रखोगे तो बेटर है। मोहम्मद इकबाल,
1930 में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग उठाई। तो भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब उठी थी? 1930 में उठी थी, ध्यान दीजिएगा। और किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद इकबाल के ही नेतृत्व में ये उठा था। जबकि इन्होंने एक मशहूर गाना भी लिखा हुआ है, उस गाने का नाम है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मुझे पर्सनली ये नहीं समझ में आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भारत विभाजन की मांग क्यों कर दी। अगर देखिए गाने की बोल से लगता है कि ये बहुत ही राष्ट्रवादी नेता रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र के विभाजन की जो बात थी वो किसने की? इसी मोहम्मद इकबाल ने की। सबसे पहले 1930 में उन्होंने भारत के सिंध के भीतर उत्तर पश्चिम के सीमा प्रांत बलूचिस्तान, सिंध तथा कश्मीर को मिलाकर एक नया मुस्लिम राज्य बनाने पर विचार रखा, जिसे बाद में नाम दिया गया पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जो शब्द था वो चौधरी रहमत अली ने दिया था 1933 में। इन्होंने खाली इतना कहा था कि भारत का विभाजन होना चाहिए, एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, वो इस बात पे फोकस थे। नाम नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन जो नाम था वो किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था नाम, याद रखिएगा। जो पाकिस्तान नाम है ना दोस्तों, उसके बारे में आपको बता दूं कि पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे क्या था। देखिए पीस हो जाता है, पंजाब का कुछ हिस्सा मिला लो, ए से अफगानिस्तान का हिस्सा मिलाना था, के से कश्मीर का हिस्सा मिलाना था, ठीक है, और पाकिस्तान, आई से जो है आपका इंडिया मतलब भारत है ही है, यस सा सिंह का हिस्सा मिलाना था, और तान जो लास्ट में पाकिस्तान, तान कुछ नहीं होता, तान से बलूचिस्तान था, तो बलूचिस्तान से जो वर्ड ले लिया गया तान, तो इन सभी को मिला करके जो नाम जनरेट हुआ वही है पाकिस्तान, ठीक है। नाम आप याद रखिएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, पी से पाकिस्तान का हिस्सा, ए से पी से सॉरी पाकिस्तान नहीं पंजाब का, पंजाब का हिस्सा, ए से अफगानिस्तान का, के से कश्मीर का, आई से इंडिया का, भारत का, यस से सिंध का, और तान जो वर्ड है TAAN, तान से हो जाता है आपका बलूचिस्तान। इन सारे राज्यों को मिला करके, इनके कुछ भागों को मिला करके एक नए राज्य, एक नए देश, राष्ट्र की उत्पत्ति हमारे सामने देखने को मिलती है। इसका नाम पड़ता है पाकिस्तान, और 1933 में यह नाम जो दिया है किसने दिया है? चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। तो रहमत अली एक अलग व्यक्ति थे और इकबाल अलग थे। इसके बाद है ये जो फिगर आप देख रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का फोटो है, और इनको प्यार से लोग राजा जी भी बोलते थे, राजा जी याद रहेगा आपको, राजा जी। तो याद रखिएगा ये 1878 में पैदा हुए, ठीक है, 1878 में, उनकी मृत्यु 1972 में हुई है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं, मैंने आपको बोला ही, और स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे, द्वितीय गवर्नर जनरल, क्योंकि पहले पे लॉर्ड माउंटबेटन थे और दूसरे नंबर पे कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हाँ, अगर ये पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो हाँ वहाँ पे नाम इनका आता है, क्योंकि इसके पहले जितने भी गवर्नर जनरल थे सब ब्रिटिश थे और ये भारतीय थे, तो इसलिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहिए, चाहे स्वतंत्र भारत का द्वितीय गवर्नर जनरल कही, बात एक ही है। आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य भी इनको कहा जाता है। तो बहुत सारी उपाधियाँ दोस्तों मैं डायरेक्ट आपको ऐसे दे देता हूँ, वो सारी चीज़ें आप याद रखा करिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछ दे आपसे कि आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य किसे कहा जाता है, चार ऑप्शन दे दे, तो मुश्किल है कि लोग राजगोपालाचारी को टिक करेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं वो इस बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, चाणक्य भी इन्हीं को कहा जाता था। 1954 में सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यही राजगोपालाचारी राजा जी थे, जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, इन्हीं से शुरुआत हुई भारत रत्न की, 54 में इनको दिया गया, फिर आगे चल के और लोगों को दिया जाता है। चक्रवर्ती तिरुमगन के नाम से एक गद्य में रामायण कथा है, जिसका नाम है चक्रवर्ती तिरुमगन, इन्होंने ही रचना की है। चक्रवर्ती तिरुमगन की रचना भी इन्होंने की है, और इसके लिए इन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। 1958 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है तमिल से, उससे सम्मानित किया गया था। किताब का नाम था चक्रवर्ती तिरुमगन, तो सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं लाला हरदयाल की फिगर है, ये बहुत ही दोस्तों ग्रेट पर्सनालिटी थे, इनके बारे में मैंने पढ़ा, मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं और डिटेल्स इनके बारे में बताऊं, लेकिन यहाँ लिख नहीं पाया दोस्तों। एक ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो विदेश में रहते हुए भी पूरी तरीके से अपने देश के ऊपर समर्पित थे। ये कभी भारत नहीं आ पाए, ये भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये अमेरिका में बैठकर वो लड़ाई शुरू किया उन्होंने, और वहीं से शुरू किया और पूरे जीवन के आखिरी दिन तक वहीं से लड़ाई लड़ते रहे। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप भारत में जाके ब्रिटेन के लिए लड़ो, आप कैसे लड़ोगे? लड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन उस ज़माने में ये व्यक्ति बेचारे देखिए कि वहाँ बैठकर ये भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते थे, और जिस तरह से ग्रेट थे, बहुत ही ग्रेट व्यक्ति थे। लाला हरदयाल जी का जन्म 1884 में हुआ था, कांग्रेस की स्थापना से ठीक एक साल पहले,
कांग्रेस की स्थापना से ठीक एक साल पहले 1884 में और मृत्यु हो गई थी 1939 में जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1939 में इनकी मृत्यु हो गई तो बड़े कम समय तक ये साथ रहे हैं। देखिए लाला हरदयाल जी ने 25 जून 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की थी और ये बनाया था गदर पार्टी उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? यूएसए अमेरिका में, ठीक है, तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में बनाया। और लाला हरदयाल ने वंदे मातरम और तलवार ये दो समाचार पत्रों का संपादन किया। दोस्तों मैं अगला जो सीरीज लाऊंगा ना उसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के बारे में एक आपको अलग से वीडियो दे दूंगा ताकि आपको एक बार और रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ भी आप याद रखिएगा वंदे मातरम और तलवार दो पत्रों का इन्होंने संपादन किया। पूछ देता है एग्जाम में कि भाई तलवार नामक पत्रिका किसने निकाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाला हरदयाल ने निकाला है। भारत लौटते हुए रास्ते में 4 मार्च 1939 को अमेरिका के महानगर फिलाडेल्फिया में उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। तो देखिए दो पर्सनैलिटी ऐसे मिले हैं जिनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई है। एक तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म का कोई मतलब मृत्यु का कोई पता नहीं चल पाया और दूसरा लाला हरदयाल जी का एक रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई क्योंकि इसके पहले कभी भारत नहीं आए थे। इनको एक आखिरी बार मतलब पहली बार कहिए आखिरी बार कहिए पहली और आखिरी बार इनको मौका मिला था भारत आने का 4 मार्च 1939 को। ये वहाँ से रवाना होने वाले थे निकलने वाले थे कि अचानक ही इनकी मृत्यु हो गई इनके बोट पर और ये बड़ा ही दुख की घटना थी। तो याद रखिएगा इनके बारे में लाला हरदयाल। इसके बाद दोस्तों राजेंद्र प्रसाद 1884 में जिस समय जो है लाला हरदयाल जी का जन्म हुआ था उसी समय जो है राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ और इनका जन्म दोस्तों बिहार में हुआ था। इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा 1884 में पैदा हुए 1963 तक में इनकी मृत्यु हो गई तब तक ये रहे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो दो कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जो दो बार लगातार राष्ट्रपति के लिए चुना गया हो, सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही थे और संविधान सभा के भाई पहले अध्यक्ष भी थे। ध्यान दीजिएगा पहले अस्थाई अध्यक्ष थे, इसके पहले संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, तो वो अस्थाई थे, 9 दिसंबर को बनाया गया था और दो दिन बाद 11 दिसंबर को इनको जो है चूज कर लिया गया था स्थायी अध्यक्ष के रूप में। अब पूरा जब तक संविधान बनता है तब तक ये संविधान सभा की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, इसके बाद इनको जो है राष्ट्रपति बना दिया जाता है। बाबू राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़कर पटना के निकट 1921 में एक नेशनल कॉलेज खोला। नेशनल कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था और बिहार में नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। इन्होंने भाग क्या लिया कि जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था ना उसी तरह से बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने भी एक नमक सत्याग्रह चलाया था, ठीक है, उसका हेड यही थी। 1934 में बम्बई में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कितने में? तो याद रखिएगा 1934 में 1934 की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। 1962 में इनको भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया गया। याद रखिए 1954 में पहली उपाधि मिली थी किसको मिली थी? 1954 में पहली उपाधि राजा जी को मिली थी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, पहला था। और इनको कब मिला है? तो 1962 में मिला है, ठीक है। आगे देखिए रास बिहारी बोस, ठीक है, इनका जन्म जो है कांग्रेस की स्थापना के ठीक एक साल बाद हुआ, एक साल बाद रास बिहारी बोस, और मृत्यु हुई 1945 में। आज़ाद हिंद फौज के निर्माता थे, ठीक है, इन्होंने गठन किया था आज़ाद हिंद फौज का। कई लोग दोस्तों कंफ्यूज रहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का सच में गठन किसने किया, तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में वहाँ तो डिटेल से मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल आप अभी इतना जान लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज के जो निर्माता थे वो रास बिहारी बोस थे, जो आपको टिक करना है, क्योंकि देखिए आप क्या जानते हो, आप क्या पढ़े, ये मायने नहीं रखता। UPSC या PSC क्या मानती है ये मायने रखता है, ठीक है, तो आपका नॉलेज वहाँ कम पड़ जाता है। जहाँ UPSC और PSC की चीज़ को अगर प्रेफरेंस दे रही हो तो आपको वही मानना है, अगर दिन को रात कर रही हैं तो आपको भी दिन को रात बोलना है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, कि क्यों ऐसा करना है क्यों नहीं करना है, वो फालतू की बातें होती हैं, वहाँ हमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमें जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज के जो निर्माता थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस थे। 1912 में इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी पर बम फेंका था, हालांकि उसमें बच गए थे वो, तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस ने फेंका था। 1912 में नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया, ठीक है, द्वितीय, एक बनी बनाई आज़ाद हिंद फौज थी, दोबारा उसको जो है संगठन किया, ठीक है, तो उसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज। निर्माता, मुख्य निर्माता कौन थे? रास बिहारी बोस। जापानी सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत भी किया था, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। आइए नेक्स्ट देखिए अबुल कलाम आज़ाद, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये अबुल कलाम आज़ाद की है, कुछ कुछ फिगर ये नसरुद्दीन शाह जैसा लगता है ना, तो नहीं, ये अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। 1888 में इनकी पैदाइशी है और 1958 में इनकी मृत्यु हो गई।
मौलाना आज़ाद सन 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए। 1923 में इनको चुना गया था। ठीक इनके एक साल बाद 1924 में जो अध्यक्षता हुई थी वो बेलगांव में किए थे महात्मा गांधी जी, एकमात्र अध्यक्षता किए थे। 1925 वाला फिर से सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो याद रखेगा इन सारी बातों को ध्यान देना जरूरी है। तो 1923 में अध्यक्षता इन्होंने किया है कांग्रेस की, और सबसे युवा, आपके एग्जाम में पूछता है कि सबसे युवा जो अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा अबुल कलाम आज़ादी थे। ठीक है, इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कि इंडिया विंस फ्रीडम, जिसके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि वो अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद है 1912 में इन्होंने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार भी निकाला था, एक अल हिलाल के नाम से। अल हिलाल के नाम से एक साप्ताहिक अखबार था, सप्ताह में एक बार आता था, अल हिलाल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और वर्ष 1992 में मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1992 में सम्मानित किया गया। तो एक चीज़ यार हमको ये लगता है कि ये जो भारत रत्न होता है ना, ये जीते जी मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आदमी को भी अपने सम्मान को जो है देखने को मिले, तो बहुत सारे लोगों को जीते जी भी मिला है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, तो जीते जी भी कई लोगों को मिला है, कई लोगों को मृत्यु के बाद भी मिला है। लेकिन हाँ, ये जो पुरस्कार होना चाहिए, ये जो जीते जी मिलना चाहिए, ताकि लोग जान पाएँ, लोग उन चीज़ों को समझ पाएँ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, घोषित किया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर। ठीक है, हालांकि हम लोग जो है शिक्षा दिवस 5 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन 11 दिवस को भी ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, ये थोड़ा सा मैंने इनका साइलेंट पिक डाल दिया है, तो चाहता तो अच्छा पिक डालता, लेकिन एक सोचती हुई मुद्रा में इनकी पिक है, अच्छी लग रही थी, थोड़ा सा बड़े गंभीर लग रहे थे, इसलिए मैंने इस फोटो को यहाँ रखा। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1964 में। 1965 में दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, और उस समय जो है प्रधानमंत्री बनाए गए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। इनके मरने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी आए थे। ठीक है, और उसके तत्पश्चात कौन आ गया था, आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनका डेट ऑफ बर्थ पहले याद रखिए, ये जो है 1889 में पैदा हुए, 1964 तक रहेंगे, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री ये भी बने थे, और भारतीय बच्चे उन्हें जो है चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, भारत में उनका जन्मदिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936 और 1937 में चुने गए थे, 1936 और 1937 में चुने गए थे, और मैंने बताया था कि ये सारी बातें आप याद रखें, 39 में से फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, और 36 और 37 में जो इनको चुना गया था। 1955 में नंबर दूसरे पर इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था, और 1954 वाला फिर से मैं आपको बता दूँ, राजा जी, ठीक है, राजा जी को चुना गया था भारत रत्न के लिए, 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए नेहरू जी। ठीक है, ये आपका लास्ट है, राजकुमारी अमृत कौर, ये सच में एक राजकुमारी थी, ऐसे इसका नाम की टाइटल नहीं लग गया कि नहीं राजकुमारी का टाइटल है तो राजकुमारी थी, ये सच में राजकुमारी थी, लेकिन अपना सारा जीवन राजमहल से बाहर इन्होंने व्यतीत किया। गांधी जी के साथ इन्होंने सड़क पर के आंदोलन जो हो रहे थे उस पर हिस्सा लिया, कई बार ये जेल की यात्राएं भी की और जेल भी गईं, और स्वतंत्रता संग्राम में जो भारत की चल रही थी उसमें इन्होंने बड़ा योगदान दिया। ठीक है, स्वतंत्र संग्राम का मतलब आप 1857 की क्रांति मत ले लिया करिए, जब तक हमारा देश आज़ाद ना हुआ तब तक स्वतंत्रता संग्राम ही था। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, 1889 में ही पैदा हुई थी। ठीक है, जिस साल नेहरू जी का जन्म हुआ था उसी साल इनका भी है, और जिस साल मृत्यु हुई थी उसी साल इनकी भी मृत्यु हुई है। तो याद रखिएगा 1889 से 1964। ठीक है, 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष बनाया। कई बार बोला जाता है कि यूएनओ की अध्यक्षता करने का अधिकार किसको मिला था, देखिए यूएनओ कुछ नहीं था, यूएनओ का एक पार्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, तो इनको जो है WHO का बनाया गया था, ना कि यूएनओ का बनाया गया था। तो कई बार वो मिस्टेक से गलत से क्वेश्चन पूछ लेता है यार, अगर उसका पूछना भी सही है, क्योंकि जो WHO पार्ट है यूएनओ का, वो यूएनओ का ही एक पार्ट है, तो चाहे यूएनओ की बोलते हैं, लेकिन जो क्लियर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1950 में। ठीक है, इनकी रुचि थी खेल में, बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना किया, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। 1930 में जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई, तब राजकुमारी अमृत कौर ने गांधी जी के साथ जेल की यात्रा भी की, उनके साथ थे और बाद में जेल की यात्रा भी की। तो ये देखिए एक और हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, 1890 में इनकी पैदाइशी है, 1988 में, काफ़ी लंबा समय जिए, लगभग 100 साल की हैट्रिक मारने वाले थे, 98 साल तक
जिंदा रहना जो है बहुत बड़ी बात है। ये देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सरहदी गांधी कहा जाता था, कभी कभी सीमांत गांधी भी कहा गया, बच्चा खां या बादशाह खां, ये सारी इनकी उपाधियाँ थी, कई सारे टाइटल थे इनके, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और ये एकमात्र व्यक्ति थे जिनको विदेशी होने के बाद भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पाकिस्तानी थे भाई, बंटवारा होने के बाद उधर चले गए तो फिर पाकिस्तानी तो मान लिया जाएगा, तो उनको जो है दिया गया यहाँ सम्मान। याद रखिएगा 1987 में इनको दिया गया और 88 में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 1920 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन की भी स्थापना की थी। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, याद है ना आपको असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो उसी में साल की बात कर रहा हूँ, 1920 की ही खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। और इनका एक संस्मरण ग्रंथ है माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ये 1969 में प्रकाशित हुआ, 1969 में ये ग्रंथ जो है प्रकाशित हुआ। 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और नासा ने अपोलो को चंद्रमा पर भेजा था, इसी वर्ष जो है चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग अपना पैर रखे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी थी उस समय, 1969 में ही जो है इसरो की स्थापना भी हुई है। तो ये सारी बात है, उसी साल इनका ये पुस्तक छपता है माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कि 10 लोगों के बारे में हम लोगों ने बातें किया, इस तरह से अगले वीडियो में फिर से मैं 10 लोगों को आपके सामने लेके आऊँगा। ज़रूरी है जानना भारत के इतिहास के लिए इन लोगों का योगदान, जानना जरूरी है कि इन्होंने क्या काम किया। बहुत डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, समय आएगा तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूँ स्टडी 91 चैनल के बारे में, कि यहाँ एकमात्र चैनल है जहाँ सभी विषयों की विस्तृत जानकारी दी जाती है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। हाँ, थोड़े से मैथ वगैरह को अभी स्लो अपलोड किया जा रहा है, या एक ही दो वीडियो आपके पास पहुँच पाएँ, जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे वीडियो आप तक पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इतिहास को जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। बहुत विनम्र निवेदन है, पहली और आखिरी निवेदन जो है मेरा वो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।